टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ सिया। मेरठ में बीते कुछ दिनों से सुनाई दे रही तेंदुए की दस्तक ने लोगों की नींद उड़ाकर रखती है। तेंदुआ लोगों के घरों के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो रहा है, लेकिन वन विभाग उसे पकड़ नहीं पा रही है। दहशत के कारण लोग शाम ढले घर से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं। सरस्वती लोक माधवपुरम में रात से सन्नाटा पसर जाता है। ऐसे में फर्स्ट बाइट टीवी की टीम ने इन इलाकों का दौरा किया। हमारी संवाददाता नीलोफर अंसारी ने सरस्वती लोक में लोगों से बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। ये सरस्वती लोक में जहां पर तेंदुए की दस्तक देखी गई है, आइए जानते हैं यहां पर मौजूद लोगों से किस किस तरह से तेंदुए की यहां पर दस्तक देखी गई है और किस किस एरिया में देखी गई है। मैडम आपका नाम? गरिमा गोयल। अच्छा, आप बता सकते हैं यहां पर तेंदुआ कब देखा गया और कितनी बार देखा गया? मैम कई लोग कहते हैं कि देखा गया, हालांकि हमने नहीं देखा है, लेकिन छोटे बच्चे हैं घर में तो डर तो रहता ही है ना। अच्छा, डर रहता है तो आपके अकॉर्डिंग बच्चे बाहर निकल रहे हैं या नहीं? नहीं, हम तो नहीं भेज रहे हैं दो तीन दिन से बच्चों को बाहर। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कॉलोनी में देखा आते हुए तो काफ़ी बच्चे बाहर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जैसा सुनने में आया कि नॉर्मली ये रात को ही बाहर निकलता है। अब सरस्वती लोक की फ्रेंकली बात करें तो हम में से किसी ने नहीं देखा, बट साथ ही में प्रताप विहार कॉलोनी है, लगभग आप देखें तो दीवार भी मिली हुई है, आधा किलोमीटर हार्डली वो कॉलोनी है। वहाँ पे रात के 2 बजे शादी से आते हुए लौटते हुए एक व्यक्ति हैं गौरव जैन, आप साथ में जाके अब बात भी कर सकते हैं उनसे। वो गाड़ी से घर पे लौटे, जैसे ही उन्होंने गाड़ी घर के आगे लगाई अपने फ्लैट के, तो तेंदुआ उनके आगे से निकल कर गया। वो इतना डर गए कि वो तो झाड़ियों में चला गया, बट वो आधे घंटे तक अपने ही गाड़ी में लगभग नीचे को दुबक के बैठे रहे और धीरे से उन्होंने घर वालों को फ़ोन किया कि मैं आ चुका हूँ लेकिन मैं ऊपर नहीं आ रहा हूँ, आप दरवाजे बंद करके बैठ जाएं। तो जब इतनी आप न्यूज़ सुन लेते हैं, और मेरी पर्सनली खुद उस व्यक्ति से भी बात हुई है और उनकी मदर से भी बात हुई है, तो इतना है कि इस चीज़ के लिए आई डोंट थिंक कि कोई अफवाह फैला रहा है इस चीज़ को लेके। तो अगर ऐसा कुछ है तो जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाना चाहिए। वन विभाग की टीम हमने सुना है कि काफ़ी एक्टिवेट है, बट अगर प्रताप विहार के लोकेशन में देखा गया तो यहाँ आकर उसे पकड़ा जाना चाहिए। अभी तक वन विभाग की टीम को इन्फॉर्म नहीं किया गया? पुलिस आई थी कल, उसकी हमारे पास वीडियो भी है, पुलिस आई थी, फैंटम पे 2 या 3 लोग थे और उन्होंने मैंने सुना कि वन विभाग को इन्फॉर्म किया है, क्योंकि वन विभाग, अब ऐसा तो हम लोग नेट पे अगर नंबर लेके ट्राई करते हैं तो नॉर्मली हमारी उनसे बात नहीं हो पा रही है, बट ऐसा हमने सुना है कि पुलिस ने उनको इन्फॉर्म कर दिया है। प्रताप विहार वाले आपको और बेहतर बता सकते हैं कि अभी तक उनकी विजिट हुई है वहाँ पर या नहीं। मैडम आपको क्या लगता है, वन विभाग की टीम सीरियस नहीं ले रही इस मामले को? नहीं, सीरियस तो ले रही होगी, डेफिनेटली ले रही होगी, बट हमारा ये है कि अगर ये र्यूमर है तो इसको क्लियर आउट किया जाए, और अगर र्यूमर नहीं है तो भी फाइंड आउट करके हमें बताया जाए, क्योंकि हम दहशत में कब तक रहेंगे? बच्चों को भेजना नहीं भेजना ये कब तक, हमें सब चीज़ें सोचनी है बच्चों को लेकर। पार्क में जा रहे हैं बच्चे, फ्रीली पहले घूम रहे थे, अब हम डर से डरते हैं बार बार बाहर भेजने में कि नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है, बस यही सोच के हमें डर लगता है कि ये र्यूमर भी है तो ये क्लियर आउट किया जाए। अच्छा, र्यूमर में ऐसा भी सुनने में आया कि तेंदुए ने किसी का शिकार किया है? ऐसा कुछ नहीं आया, किसी जानवर का भी? जानवर का सुनने में आया कि गाय वगैरह सुना है हमने, कि गाय को कुत्ते को मार कर फाड़ कर डाल दिया है। हम लोग रिक्शा में आ रहे थे, मैं भी एक टीचर हूँ, तो उसने रिक्शा वाले ने कहा कि यहीं पे एक आदमी को मारा गया है जो गार्ड था, और कुछ कुत्तों को भी मारा गया है, हमने उसने ये कहा हमसे। अच्छा, मैंने उससे ये कहा कि भाई तुम अफवाह उड़ा रहे हो, यदि ऐसा कुछ होता तो वो हम लोगों को बताते या पता चलता या अखबार में आता, मगर ऐसा तो कुछ नहीं आया। मगर वो कहने लगे नहीं ये सच बात है, लेकिन नहीं अगर ऐसा होता तो नहीं, वो तो हम भी जानते थे इसलिए हमने उसकी बात पे इग्नोर ही करा। तेंदुआ है या नहीं है, लेकिन रूमर्स बहुत फैलाए जा रहे हैं, ये बात फैक्ट है। मैडम आपके अकॉर्डिंग क्या है, तेंदुआ है या नहीं है? क्या कह सकते हो, ये कोई आपने देखा तो आंखों से तो देखा नहीं है, वीडियो हम देख सकते हैं या नहीं। अच्छा, आपने वीडियोस या क्लिप वगैरह देखे हैं जिसमें वीडियो आई है? बिल्कुल, पहले 10 मिनट नगर की गारंटी है कि वो अभी की प्रेजेंट की वीडियो, ऐसा भी हो सकता है वो पुरानी वीडियो हो? नहीं भाई, 10 मिनट नगर पहले ज्वाला नगर का आया, फिर 10 मिनट नगर का आया, और एक वीडियो और आया था उसे कि अपने आसपास का ही बता रहे थे सब लोग, पर लेकिन हमने देखा नहीं है। तो तेंदुआ तो पहले भी यहाँ मेरठ में आया है, पुरानी हो
हमने तो पकड़ा टीवी नगर की वीडियो देगी नहीं, वो वहाँ की वीडियो नहीं, वो सीसीटीवी कैमरे का वाला नगर मैम जी आप एक टाइमिंग एक हमारे यहाँ पे जैन बैठी है डी में, उनके बेटे ने रात को वो 3 दिन पहले डोसा खाकर जब आ रहे थे तो उन्होंने जो ये पेविलियन वाली रोड है उधर देखा, खुद देखा उन्होंने, और उससे बहुत पहले ही उन्होंने को पता लग गया था, फोन आ गया था, तो जैसे उन्होंने दूर से देखा स्कूटी मोड़ ली, वो यहाँ पे डी वालों ने खुद देखा, वो उन्होंने हमें बताया, तो तब से ही हमें बच्चों को कितना टाइम हो गया इस चीज को देखते हुए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, टीवी की जो दस्तक देखी गई है वो सिर्फ रात में ही देखी गई है, अंधेरा होने के बाद, अभी तक आधी रात के बाद ना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही, इस खबर पर हमारी नजर बराबर बनी रहेगी, तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूले। नमस्कार। यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ।